सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज को चेंज कर देना है लैंग्वेज को चेंज करने के बाद यहाँ पर एक कोड को अप्लाई कर देना है अप्लाई करने के बाद गूगल प्ले सर्विस को जाने के बाद डिसेबल कर देना है डिसेबल करने के बाद यहाँ पर एक न्यू पैटर्न आपको क्रिएट कर देना है उसके बाद रिसेट वाला ऑप्शन में जाना है यहाँ पर मॉडल नंबर चेक करना है रिसेट कर देना है उसके बाद आपका एफ अनलॉक हो जाएगा हेलो फ्रेंड आज हम लोग यहां पर बात करेंगे सैमसंग का एफ लॉक के बारे में एक चीज़ बहुत सारा कमेंट देखने को मिल रहा था सर हम लोग के पास सैमसंग का स्मार्टफोन है हम लोग एफ लॉक लगा के बुल चुके हैं बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर लेकिन हम लोग का अनलॉक नहीं हो रहा तो आप एक वो वीडियो बनाइए पहली बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सैमसंग का ये तेरह चौदह पंद्रह यहाँ पर तीन स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे अगर इस तीनों स्मार्टफोन का अगर आपके पास है और आपका एफ लॉक लगा के बोल चुके हैं तो आप घर बैठे फ्री में अनलॉक कर सकते हैं पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कैसे करना है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला काम आपको यहां पर करना है वाईफाई को कनेक्ट करना है ठीक है चलिए यहां पर आप, आप वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए उसके बाद आप जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आगे जाके आपका गूगल साइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा लेकिन आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होगा ध्यान देना है आपको यहां पर छोटा छोटा आप गलती करते हैं उसके वजह से आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं होता है बहुत सारा कॉमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था सर हम लोग के पास सामसो में तेरह का स्मार्टफोन है चौदह है या पंद्रह है लेकिन हम लोग यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं लेकिन यहां पर हम लोग का एफ अनलॉक नहीं हो रहा है तो आप एगो वीडियो बनाइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपको बताते हैं पूरा डिटेल में कि आपका एफआर को फ्री में कैसे अनलॉक करना है बिना कंप्यूटर का चलिए क्या करना है है सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप टेलीबुक ऑप्शन पर आपका वर्क नहीं करता है ठीक है पर क्या करना है सबसे पहले लैंग्वेज वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर लैंग्वेज जो रहेगा ना ये आपका लैंग्वेज यहां पर आपका यह वर्क नहीं करेगा ठीक है आपका लैंग्वेज को चेंज करना है ठीक है आपको कौन सा लैंग्वेज को रखना है यहां पर सबसे पहले देखना है ठीक है चलिए आपको बताते हैं पूरा डिटेल में ठीक है आपको लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको क्या क्या करना है आपको पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है ठीक है कहीं भी स्किप नहीं करना है देखिए सबसे पहले आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी रहेगा ठीक है यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके okay करना है आपका लैंग्वेज यहां पर चेंज हो जाएगा अब यहां पर चेंज होने के बाद करना क्या है देखिए यहां पर लैंग्वेज हम लोग का चेंज हो गया अब यहां पर कुछ नहीं करना है कोड यूज करना है ठीक है आपको यहाँ पर एक कोड यूज करना है देखिए नीचे में आपको इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरह से आपको यहां पर सेलेक्ट करना है जैसे सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से आपका इमरजेंसी कॉल ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर एक आपको कोड बता रहा है इस कोड को डायल करना है सिंपल तरीके से उसके बाद यहाँ पर जैसे आप कॉलिंग करते हैं तो डेवलपर ऑप्शन को एक कमांड भेजना है उसके बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस में जाना है और एप्स को आपको डिसेबल करना है कैसे करेंगे पूरा डिटेल में आपको बताएंगे ठीक है चलिए अब यहाँ पर इस कोड को आप डायल कर दीजिए सिंपल तरीके से उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कॉलिंग का तो यहाँ पर क्या करना है वन टाइम आपको ओनली कॉलिंग करना है ठीक है चलिए कॉलिंग करते हैं कॉलिंग करने के बाद कुछ इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ से आपका कोड बिल्कुल ही हट जाएगा ठीक है आप बैक आना है बैक आने के बाद आपका जो लैंग्वेज है वही रखना है चेंज नहीं करना है ठीक है चलिए यहाँ पर टेलबुक ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा था बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था देख सकते हैं यहाँ पर जैसे प्रेस कर रहा है ना तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पर टेलबुक ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है जी दोस्तों आपने सही सुना टेलबुक ऑप्शन यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग टेलबुक ऑप्शन को ऑन करना है ठीक है टेलबुक ऑप्शन को ऑन करना है एनेबल करना है कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं अब यहाँ पर कोड यूज कर दिए कोड यूज करने के बाद आप यहाँ पर क्या करना है देखिए नेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा तो सॉरी दोस्तों एड नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करना है एड नेटवर्क वाला ऑप्शन में जैसे आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पर नीचे में एगो सेटिंग्स का लोगो मिलेगा आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाला लोगों को ध्यान से देखना है और सेलेक्ट करना है उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा नीचे में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिसेट एंड इरेज करना ध्यान से इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ठीक है ये दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रिसेट करे लिखा रहेगा रह रिसेट करना है और नीचे वाला ऑप्शन में यहाँ पर मिटाई लिखा रहेगा मिटाई करना है ठीक है ये दोनों को आपको रिसेट एंड मिटाई इरेज कर देना है ठीक है अब यहाँ पर बैक आना है बैक आके पूरी तरह से होम पेज में ठीक है बैक आने के बाद आप क्या करना है सिंपल तरीके से टेलबुक ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा था ना चलिए आपको दिखाते हैं अब यहाँ पर लैंग्वेज को सबसे पहले सेलेक्ट करना है ठीक है कौन सा यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज कर देना है ठीक है चलिए आपको चेंज करके आपको दिखाते हैं आपको यहाँ पर कौन सा लैंग्वेज को चेंज करना है वो ध्यान देना है ठीक है सबसे ऊपर में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश इंडिया जो आपका है ना उसी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है ठीक है इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर दिए ये देखिए हम लोग को यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है सिंपल तरीके से यहाँ पर वेल्यूम प्लस एंड आपका ऑन बटन वेल्यूम प्लस एंड आपका ऑन बटन ये दोनों बटन को वन टाइम आपको टेप करना है एक साथ प्रेस करना है चलिए प्रेस करके आपको दिखाते हैं ठीक है ठीके? पहले हम लोग का टेल बुक ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा था आपको प्रूफ दिखा चुके थे अब यहाँ पर जैसे वन टाइम प्रेस करते हैं उसके बाद देख सकते हैं वेलकम टू बुक आपका ऑन हो चुका है तो इस तरह से आपका टेलबुक ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो जाएगा ये सारा आपको मेथड आपको कंप्लीट करना है ठीक है वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है ठीक है यहाँ पर उल्टा एल बनाना है उल्टा एल जैसे आप बनाते हैं यूज वॉयस कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा आप क्या करना है यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपको बोलना है गूगल असिस्टेंट चलिए यहाँ पर बोल के आपको दिखाते हैं सेलेक्ट करना है यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर बोलना है गूगल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट आप जैसे बोलते हैं कुछ इस तरह से आपका गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर हम लोग का गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया क्या करना है यहाँ पर बोलना है सिंपल तरीके से सेटिंग्स ओपन सेटिंग्स ओपन बोलना है यहाँ पर सेटिंग्स ओपन जैसे बोलते हैं आपका सैमसुंग का मेन सेटिंग्स ओपन हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर टेलबुक को ऑफ कर देना है चलिए टेलबुक ऑफ हो गया सेटिंग्स यहाँ पर हम लोग का ओपन हो चुका है ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा क्या करना है ध्यान देना है ठीक है सबसे पहले एप्स का ऑप्शन मिलेगा ए डबल बी एस ठीक है एप्स वाला ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है चलिए सेलेक्ट करके दिखाते हैं सेलेक्ट कर दीजिए सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारा एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा नीचे जाना है स्टॉल डाउन करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन मिलेगा ठीक है इसी ऑप्शन को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले ठीक है सेलेक्ट किए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये इस वाला जो है ऑप्शन है इसको डिसेबल करना है ठीक है डिसेबल कर दिए डिसेबल करना है सबसे पहले गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल कर देना है ठीक है डिसेबल करने के बाद आपको बैक आना है फिर से बैक आना है उसके बाद सबसे क्या करना है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिंपल तरीके से चलिए आपको थोड़ा सा स्टोल डाउन करते हुए दिखाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन मिलेगा ठीक है अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना है सबसे नीचे में अदर्स वाला ऑप्शन में सेलेक्ट करना है यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करना है यहाँ पर दोनों ऑप्शन को ऑन करना है यहाँ पर पिन पैटर्न पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा न्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट कर देना है ठीक है ध्यान देना है यहाँ पर न्यू पैटर्न क्रिएट करना है ठीक है क्रिएट कर दिए न्यू पैटर्न ये देखिए जैसे क्रिएट करते हैं ना हंड्रेड परसेंट सक्सेसफुल हो चुका है ठीक है सक्सेसफुल हो गया न्यू पैटर्न क्रिएट हो गया बैक आना है सिंपल ऐसे फिर से बैक आना है ठीक है चलिए बैक आते हैं फिर से बैक आ जाना है देख सकते हैं सेटिंग्स आ गया सबसे नीचे में जाना है एवाउट फोन में ठीक है यहां पर देखिए मॉडल नंबर सैमसंग में तेरा है ठीक है सैमसंग में तेरह चौदह पंद्रह कोई भी स्मार्टफोन है ठीक है आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करना है रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा ठीक है इसको सेलेक्ट करना है रिसेट सेटिंग करना है जो न्यू पैटर्न आप क्रिएट किए हैं उसी पैटर्न को यहाँ पर डाल देना है उसके बाद रिसेट का ऑप्शन मिलेगा आपको रिसेट कर देना है सक्सेसफुल हो गया अब यहां पर आपको और कुछ नहीं करना है पूरा बैक आना है बेक आना है फिर से बेक आना है उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको ऐप्स वाला ऑप्शन में जाना है अब यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस को जो जैसे हमको एप्लीकेशन को डिसेबल किया था उस, उसको इनेबल कर देना है ठीक है इनेबल कर दिए अब यहाँ पर आपको पूछ नहीं करना है पूरा फ़ोन आपका ऑटोमेटिक रिसेट हो चुका है पूरा बैक आ जाना है और आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिसेट हो चुका है अगर आपके पास सैमसंग का है तेरह चौदह पंद्रह कोई भी स्मार्टफोन है आपका एफ आर हो जाएगा जैसे आप यहाँ पर एग्री करते हैं नेक्स्ट करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका सारा फोन रिसेट हो गया है स्किप का ऑप्शन मिल चुका है स्किप कर देना है जैसे आप स्किप करते हैं कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आ जाएगा अब यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको यहाँ पर डोंट नोट कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा सिंपल से सेलेक्ट करना है डोंट नोट कॉपी में उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट करना है जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं गूगल सर्विस आ गया हंड्रेड सक्सेसफुल हो चुका है अब यहाँ पर एग्री करना है एग्री करने बाद आपको नेस्ट नेक्स्ट करके चलना है कोई आकर सैमसंग का एफ आर पी लॉक अगर आप लगा के भूल चुके हैं पूरा वीडियो कंप्लीट देख लीजिए कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आपका एफ आर पी फ्री में घर बैठे बिना कंप्यूटर का अनलॉक हो जाएगा सैमसंग में तेरह का चौदह का पंद्रह का कोई भी स्मार्टफोन है तीनों स्मार्टफोन में कोई भी स्मार्टफोन है अगर आपका एफ आर पी अनलॉक नहीं हो रहा है तो पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए फिर भी अगर आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी वीडियो के नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी टॉपिक में जरूर बनाएंगे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कॉमेंट करके हमको बता सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको यश करना है यश जैसे आप करते हैं आप देख सकते हैं घर बैठे फ्री में हंड्रेड परसेंट हम लोग का एफ आर पी अनलॉक हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग का एफ आर पी अनॉक हो चुका है फ्री में घर बैठे बिना कंप्यूटर